हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैटर क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक एस्मोटोन प्लस सिरप, ये क्या सिरप है, कहां पर दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, कैसे लिया जाता है और क्या ये दूसरों से अलग है। तो दोस्तों चलिए बने रहिए। ये जो आप देख रहे हो एस्मोटोन, आपको ये मार्केट में मिल जाती है 88 रुपीज़ में, कहीं भी मिल जाती है मार्केट में या ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या केमिस्ट शॉप से। इसका जो कंटेंट्स है, इसके अंदर तीन जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है वो टर्बुटलिन है, गोफेंसिन और ब्रोमहेक्सिन है। दोस्तों ये ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन के आपको बहुत सारे दवाइयाँ मिल जाते हैं, कुछ खास अलग कुछ नहीं है। ये बस स्टैंडर्ड एथिकल कंपनी की शुगर फ्री वाली होती है। यूजुअली क्या होता है कि शुगर फ्री नहीं होती है तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा सूट होती है। याद रख लिए, टर्बुटलिन और जो ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत यूज़ किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर खांसी होती है। खांसी दो तरह की होती है, एक ड्राई होती है और एक वेट होती है। अगर ड्राई होती है तो ये यूज़ नहीं होती है, वेट होती है तो यूज़ होती है। अब ये ड्राई और वेट कौन बोलेगा, ये सिर्फ आपके अपने डॉक्टर बता पाएंगे कि किसी ड्राई होती है या वेट होती है। याद रखिए, अगर ड्राई की जगह वेट की सिरप डालो या वेट की जगह ड्राई की डालो तो कभी ज़्यादा हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों में सेफ़ है। ओके, छोटे एकदम जो बच्चे होते हैं उनमें नहीं दिया जाता है, 6 महीने वाला या 1 साल वाला, तो उससे ज़्यादा जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। ये 2.5 ml दिन में 3 टाइम या 5 ml 2 टाइम भी दिया जाता है। इसके साथ नेबुलाइजेशन भी दिया जाता है। टर्बुटलिन जो होता है वो आपके एयरवेज को डायलेट कर देता है, और जो आपके ये होते हैं क्या, ब्रोमहेक्सिन और गोफेंसिन, जो म्यूकस जो होता है, स्पूटम जो होता है, जो बलगम कहा जाता है, वो डिजॉल्व करने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपकी सर्दी और सॉरी खांसी जो है वो चले जाती है। ये 5 से 7 दिन तक कोर्स किया जाता है, इसको लंबा नहीं दिया जाता है, क्योंकि टर्बुटलिन का एक जो साइड इफेक्ट होता है वो हार्ट पे असर करता है, हार्ट रेट ज़्यादा कर देता है। इसीलिए जिससे हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें देख कर इस्तेमाल करें, स्पेशली एरिथमियाज जहाँ हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है उनमें अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, याद रखिए कि इससे उल्टी हो सकती है, टेस्ट टर्बुटलिन का थोड़ा बैड होता है, तो उसकी वजह से आपको क्या करना होता है कि देखकर इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तक इसके साथ साथ मैंने कहा कि नेबुलाइजेशन भी दिया जाता है, जो कि असर बहुत अच्छा करता है। नेबुलाइजेशन काफ़ी सारे डिफरेंट मिल जाते हैं, तो ये आपके अपने डॉक्टर से पूछ कर इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच।